हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि टैबलू में हम एसक्यूएल सर्वर का डेटा कैसे लाएंगे और किस तरह से रिपोर्ट बनाएंगे। तो हमें टैबलू 2021.3.4 हमने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे टू फाइल है, टू सर्वर है। तो टू सर्वर में हमारा एसक्यूएल सर्वर है। ये मैं एसक्यूएल सर्वर खुला हुआ है, इसकी मैंने सर्वर नेम ले लिया हुआ है विद एक्सटेंशन, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया हुआ है। और फिर मैं एसक्यूएल सर्वर पे हम जाके क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्वर नेम देते हैं, और मुझे फिर सर्वर का जो डेटा चाहिए, और ये आपका डेटा बेसिस है, AUG का एक डेटा है, दिखा देता हूँ। और इसके अंदर एक टेबल है, ये आपका डेटा नाम का टेबल है, इसका मुझे इस पे रिपोर्ट बनानी है। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस AUG कर दिया और मैं यहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशन मेरा है, अगर आपके पास अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और साइन इन पे क्लिक किया। साइन इन क्लिक करने पे इसके डेटाबेस आगे सेल्स और डेटा आगे, जो कि मेरे SQL में है, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो डेटा को लिया और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करते हैं इस डेटा का पूरा डिटेल्स आगे पे, यहाँ तो मुझे पूरा का पूरा डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पूरा डिटेल्स मुझे डेटा का दिख रहा है कि क्या 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 टेबल्स है, और यहाँ पे मेरे डेटा, यहाँ पे अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे के सारे डेटा मुझे दिख जाएगी। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अब मैं Sheet 1 पे जाऊंगा और वन बाई वन अपनी रिपोर्ट को तैयार करूंगा। जैसे मुझे चाहिए नेम वाइज टोटल सेल्स का, क्लिक किया, सॉरी नेम वाइज, और कंट्रोल के साथ हमने टोटल सेलेक्ट कर लिया। तो ये चार्ट्स हमारे एक्टिवेट हो गए जो चाहिए, तो हमने इस चार्ट्स को लिए, लेकिन मुझे इसको चाहिए बार चार्ट नहीं, कॉलम चार्ट चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉलम चार्ट पे ये कर लिया, आ गई। अब यहाँ पे सीट नेम, अब सीट नेम की जगह पे यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स बाय सेल्स ओ 2021, सॉरी 21, और इसको अप्लाई करके ओके कर दिया, यहाँ पे आ गया। इसके अलावा कुछ और कलरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे SO रिपोर्ट हमने यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ पे एक और सीट ऐड करेंगे। सीट ऐड करने के बाद यहाँ हम इस बार हम बनाने जा रहे हैं जोन वाइज टोटल, सॉरी यहाँ पे जोन और टोटल, हमने एक पाई चार्ट लिया हुआ है। अब ये इस तरह का स्टैंडर्ड व्यू है, इसके बाद हम एंटायर व्यू पे क्लिक करेंगे तो एंटायर व्यू आ जाएगा। परसेंट ऑफ टोटल यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हम कर देते हैं सेल्स बाय जो, और यहाँ पे जो नाम देते हैं, एक बार में एक ही कर देते हैं। पावरी में क्या है कि अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक बार में एक ही कर सकते हैं। तो सिटी वाइज टोटल हमने ले लिया, और इस बार हम जो है एरिया चार्ट लेते हैं, अब यहाँ पे कुछ और हम करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया नेम जोन और सेल्स, और इस बार हमने इसको चूज कर लिया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं जो कि एरिया वाइज यहाँ पे दिखाते हैं। अलग अलग फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे अपना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं रो और कॉलम से। फिलहाल हम इस पे नहीं जाते, इसको हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, फॉर्मेट खा दिया हमने।
यहाँ पे हमने कर दिया testo/ जो माफ कीजिएगा जो जो अब यहाँ पे इस पे हम लिख देते हैं सेल्स जोन बाय सेल्स ऑफिसर अप्लाई किया ओके किया। अब यहाँ पे एक और हम ऐड करते हैं, इस बार हम सिटी नेम और टोटल सेल लेते हैं और इस बार जो है हम थोड़ा सा ले लेते हैं, ये बेटर है। सेल्स इन सिटी तो हमने अलग अलग बना लिया। अब मुझे यहां लास्ट में जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है ना, डैशबोर्ड इस पे क्लिक करते हैं, सारे आ गए। डैशबोर्ड का अपना जो है टाइप मैंने ब्लैंक टाइप ले लिया हुआ है और यहां से हम सेल्स ऑफिसर को रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जोन ऊपर में रखेंगे, यहाँ नहीं चाहिए इसको, यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए उसके बाद सिटी को एरिया में डैशबोर्ड तैयार हो गया। इस डैशबोर्ड को आप जो है पब्लिश करके यहाँ से पब्लिश करके आप सर्वर पर साइन इन कर सकते हैं, साइन इन करके तो सर्वर पर ले आ सकते हैं ऑनलाइन पे। इसको आप सेव एज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में, स्टॉप कर सकते हैं पीडीएफ में और इसको सेव एज कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेटिंग में। तो इससे आपका टैबलू का ये अच्छा खासा रिपोर्ट्स आपको बनेगा और इसका ध्यान आप रखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। किसी तरह की डाउट के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।